गुरुग्राम कल्चर फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री राम कथा के दूसरे दिन कथा वाचन स्वामी अवधेशानंद गिरी द्वारा किया गया। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने विधि विधान से कथा प्रारंभ करते हुए श्री राम के बारे में लोगों को बताया कि जगत का अस्तित्व रूप और नाम से है। श्रोताओं में दो गुण हमेशा होने चाहिए, श्रद्धा और ध्यान। कथा को हमेशा सावधान होकर सुनना चाहिए। ज्ञान केवल श्रद्धावान को ही मिलता है। नीतिज्ञ नहीं है, सुचि नहीं है, शांत नहीं, अवैर चित्त का स्वामी नहीं है, अलोभ चित्त का, अकाम का, निष्काम का, निराभिमान का, विनम्रता, वो क्या कथा सुनाएंगे? ये सारे गुण भगवान महादेव कथा सुनाएंगे। जिज्ञासा है पार्वती की, तो श्रोता में कौन सा एक गुण चाहिए? एक गुण बस, सावधान होकर श्रद्धा से सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, सावधान होकर। तो दो गुण बल, एक श्रद्धा और सावधानी। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान केवल श्रद्धावान को ही मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान लब्धा परम शांति है। संशय ही हमारा नाश कर देते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, और संशय छिन्न भिन्न होते हैं ज्ञान से। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कली विटप कुठारी, राम कथा शशि किरण समाना। शशि किरण बताया है राम कथा, सूर्य की किरण नहीं, शशि किरण, चंद्रमा की किरण के समान शीतल। इसे कुल्हाड़ी बताया, असंग शस्त्र बताया, इसे दीप बताया गया, औषधि बताया गया है इसे राम कथा। संशय निवारणी है ये राम कथा, संशय निवारणी भवभंजिका है ये महौषधि है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कले भरे, औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणम हरि ही। ये स्वयं वैद्य की कथा है, इसमें औषधि भी नारायण ही है। इसे सावधान होकर अप्रमत्त होकर सुनो। अब कथा आरंभ हो रही है तो हम आपसे भी निवेदन कर रहे थे कि एक बार वो सो गए थे, इसलिए महादेव ने कहा कि सो मत जाओ, सावधान होकर बैठ। एक बार सो गई थी कथा और हमारा नींद भी आए तो अच्छी बात है, इससे अच्छी जगह रिलैक्स होने की और मिलेगी कहाँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी तीन चीज हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, चरित्र, आचरण और भाव। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा, और हमें अपने चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। चरित्र चिंतन से ही बनता है। चरित्रवान थे इसलिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। चरित्रवान बनने के लिए श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर कथा परिसर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। और उस अनेक रूपों में अनेक विचित्रता है, विलक्षणता है, वैविध्यता, बहुरूपता, अनेक रूपता में जो वैशिष्ट है वो कोई एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। जगत में दो चीजें हैं जिनसे जगत बना है, एक है नाम, दूसरा है रूप। जगत इसी से स्थिर रहता है, जगत का अस्तित्व केवल इन दो बातों पर ही है, रूप और नाम।
जगत नामात्मक है, रूपात्मक है, तो सबके अलग अलग नाम है, एक जैसे नाम किसी के नहीं। नाम में भिन्नताएं हैं, रूप में भिन्नता है, फिर सबकी प्रकृति में भिन्नता है, सबकी चेष्टाएं, चेतवन, भास, आभास, मुद्रा, प्रकृति, स्वभाव, तो कोई एक इतना विभिन्न है। रंग आकृति सबके मॉलिक्यूल पार्टिकल्स भिन्न हैं, कोशिकाएं, ऊतक, रक्त, मज्जा, मांस, मैद, उसकी कांति, द्युति, देह की गंध, सबकी भिन्न है। एक जैसे न पर्वत है, न पंछी है, न पौधे हैं, न वनस्पतियां हैं। एक जैसी तो चींटियां भी नहीं है, देखने में प्रतीत होती एक जैसी है नहीं, मक्खियां नहीं, भ्रमर तितलियां नहीं। विचित्रता तो यह है कि इमली के पत्र भी एक जैसे नहीं है, जो इमली के छोटे पत्र एक जैसे जो प्रतीत होते हैं नहीं, पत्तियां, पुष्प, बड़ी बड़ी बात है, घास के तिनके। हम तो नित्य गणपति को दुर्वा चन करते हैं, तो दुर्वा एक जैसी नहीं है, न तुलसी पत्र एक जैसे है, न बिल पत्र, न शमी, न धतु, न विजया, एक जैसा कुछ भी नहीं है। इतनी विचित्रता, इतनी अनेक रूपता, तो सबके नाम अलग है, रूप अलग है, जगत नामात्मक है, रूपात्मक है, पर उसमें कोई एक ही है तत्वतः। तो जो तत्वतः कोई एक है उसी का ये विस्तार है, उसी का ये प्रसार है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वम माने सब में, इदम सर्वम यत्र तत्र सर्वत्र, सभी रूपों में कोई एक ही है। तो इन अनेक रूपों में कौन एक है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, इन अनेक रूपों में कौन एक है, विष्णु एक है, विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु वशटकार, विष्णु विष्णु वशटकार, वशटकार का अर्थ विस्फोटित होता है, विकिरित होता है, स्फुरित होता है, विराट होता जाता है, अनेक होता जाता है, विविध होता जाता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो एक ही अनेक हो जाता है। यद्यपि वो एक ही है, ईसावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, वो एक ही ईश्वर पूरे जगत में है, पर भिन्न रूपों में, विविध रूपों में। और वो जो एक है वो अव्यय है, वो अखंड है, वो पूर्ण है,
वो जो एक है वो नित्य है, शाश्वत है, वो जो एक है समीचीन और सामायिक है, वो जो एक है वो सनातन है, वो जो एक है अनंत है। इसलिए उसकी प्रार्थना करते हुए शास्त्र कहते हैं नमोस्तु अनंताय। तो अनंत कहते ही सबको प्रणाम हो जाता है। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जब आप अनंत को प्रणाम करते हैं तो सबको प्रणाम हो जाता है, क्योंकि फिर वो सभी को है प्रणाम। नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिरोर वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। जैसे शीश झुकाते हैं आप ऐसा कहकर सबको प्रणाम हो जाता, फिर सबकी अभ्यर्चना वंदना हो जाती है। और हमारी संस्कृति प्रणाम की संस्कृति है, शीश झुकाने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति का वैशिष्ट आदर का है, हम आदर करने वाले प्राणी हैं, दूसरे का सम्मान करने वाले प्राणी हैं। हम सभी में कोई वैशिष्ट देखते हैं, किसी में श्रेष्ठता गुण, किसी में ज्येष्ठता वरीयता, किसी में प्राथमिकता कि वो प्रथम है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, गुणी है, विज्ञ है, धर्मज्ञ है, शास्त्रज्ञ है। इसलिए वो अतिथि कैसा भी हो वो प्रणम्य है। और केवल व्यक्ति वस्तु पदार्थ ही नहीं, जो कुछ भी है वो आदरणीय है, क्योंकि इसमें वो है अन्नाद विष्णु अन्न वै ब्रह्म। तो अन्न को भी हम आदर देने वाले प्राणी हैं। जल में कोई और नहीं, उस जल में प्राण तत्व है, परमात्मा का वास है, अंबु नारायण तत्व है,